हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपका पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। नवी मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा प्लान सिटी जो भारत की वेस्ट कोस्ट पे तमीर किया जा रहा है। ओल्ड मुंबई से सिर्फ 21-22 किलोमीटर के फासले पे एक शानदार शहर जो आबाद किया जा रहा है, तो देखते हैं कितना ज़बरदस्त है और कहां तक तामीर हो चुका है। अच्छा, दो पार्ट्स में है, नॉर्थ नवी और साउथ नवी। ज़बरदस्त है, लगता है कि फ्यूचर में ये अपने बड़े भाई को, ओल्ड मुंबई को टक्कर देगा। क्या बात है, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पे। ₹5.3 लाख स्क्वायर फीट, ओ माई गॉड, ये बड़ी, ओ ज़बरदस्त। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके डिज़ाइन को लेके मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। ये बिल्कुल जैसे पेपर से बना हुआ होता है, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मुंबई में बढ़ते हुए आबादी के बोझ की वजह से इसे बनाया जा रहा है, नवी मुंबई को। और लगता है ऐसे ही है कि यहाँ पे CIDC बिल्कुल कामयाब है। तरंगा यहाँ पे भी अच्छा खासा ऊंचा करके लगा है। पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम, वल्लभ भाई पटेल, CIDCO, सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस तरह का कोई होगा। ज़बरदस्त है यार, बहुत ही अमेजिंग शहर बन रहे हैं। रोड व्यू में देखा था, वो भी बहुत शानदार था, लेकिन बर्ड आई से, ड्रोन फुटेज से तो बहुत ही शानदार लग रहा है। क्या बात है, ग्रीनरी भी अच्छी खासी है। ये इंडिया का ऐसा पहला शहर होगा जिसमें मेट्रो बनेगी, एक आबादी के कम पैमाने के बावजूद। ज़बरदस्त है, इससे मुंबई शहर की ग्रोथ भी बढ़ेगी। क्या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है नवी मुंबई का, क्या बात है, ज़बरदस्त। वीडियो देख के मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ओल्ड मुंबई इज़ गोल्ड एंड नवी मुंबई इज़ डायमंड। क्या शानदार शहर आबाद किया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर जिसे बकायदा मंसूबा बंदी के तहत आबाद किया जा रहा है, ओल्ड मुंबई से सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर। आज तो ये फासला ज़मीनी सफ़र से तय किया जाता है, लेकिन दिसंबर 2023 में यहाँ पर मुंबई हार्बर ट्रांस लिंक प्रोजेक्ट के जरिए नवी मुंबई को पुराने मुंबई के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। और भारत का ये शानदार प्रोजेक्ट अगले साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। 21.8 किलोमीटर का ये पुल भारत का सबसे बड़ा पुल होने जा रहा है, जो 1090 पिलरों पर तामीर किया जाएगा। और 6 लेन की ये सड़क नवी मुंबई को पुराने मुंबई के साथ जोड़ देगी। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। 1972 में इस शहर को शुरू किया गया था, और अब बहुत जल्द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और अपने यूनिक डिज़ाइन की वजह से ये मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुंबई शहर से पॉपुलेशन के बोझ को कम करने के लिए नवी मुंबई को आबाद किया जा रहा है। मुंबई इस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी को लेके भारत का सबसे बड़ा शहर है, पहले नंबर पर आने वाला शहर है। 25,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में मुंबई में, जबकि नवी मुंबई में यही तादाद तकरीबन 10,000 लोगों की बनती है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो इस हिसाब से यहाँ पर जगह की कीमत मरकजी मुंबई से कम होने का इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह ये शहर तरक्की कर रहा है, तो बहुत जल्द ये अपने बड़े मरकजी शहर को भी टक्कर देता हुआ
दिखाई देगा। अगर आज की बात करें तो नवी मुंबई की आबादी तकरीबन 12 लाख के आसपास है और 108 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले होने की वजह से ये असल मुंबई या मरकजी मुंबई की निस्बत अच्छा खासा खुला शहर दिखाई देता है। इस वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।